नमस्कार विद्वान साथियों, लेट्स क्रेक राजस्थान एग्जाम चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। क्रेक ऑल राजस्थान एग्जाम विद अस बिकॉज वी हैव टॉप एजुकेटर, क्वालिटी कंटेंट एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस ऑन लेट्स क्रेक राजस्थान एग्जाम। मेरे बारे में एक छोटा सा परिचय, मेरा नाम मुकेश कुमार सैनी है। मैंने यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2018 लिखी और पिछले 7 साल से मैं यूपीएससी और आरपीएससी के भी एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो आप इस अनुभव का पूरा फायदा उठा सकते हैं। क्रेक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, भारत सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर आप आरपीएससी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जैसे आप यहां से प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे, तमाम लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं जो भारत के बेहतरीन एजुकेटर्स के द्वारा तैयार किया हुआ। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। बहुत आसान है, आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और वहां से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही ऐप आपके मोबाइल में होती है तो आपको वहां पर मिलती है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस। साथ ही अनअकैडमी पे किसी तरह का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा कोड मुकेश है, जिसकी वजह से आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो सकता है। और सब्सक्रिप्शन प्लान आपको बहुत सारे यहाँ पे मिलेंगे, जिनमें दो प्लान मुख्य, एक प्लान 12 महीने का और एक प्लान है 24 महीने का। देखिए विद्वान साथियों, आज हम बात करेंगे कि हमारे संविधान के अंदर हमें कुछ मूलभूत अधिकार दिए हैं, जिनमें संवैधानिक अधिकार और कर्तव्यों की जो व्यवस्था हमारे संविधान में है। तो आइए सबसे पहले हम उसके बारे में चर्चा करते हैं कि हमारे संविधान में हमें इस तरह के संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और मूल कर्तव्य क्या है, उनके बारे में कुछ चर्चा हम लोग आपसे मिलकर करते हैं। तो सभी लोग जुड़ जाइएगा जल्दी से जल्दी और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। तो देखिए आज का जो विषय हमारा वो क्या है, उस पर ध्यान दीजिए। वो विषय है संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार एवं कर्तव्य की व्यवस्था। हमारे संविधान के अंदर कुछ संवैधानिक अधिकार हमको दिए हैं और साथ ही क्या किए, कुछ कर्तव्यों की व्यवस्था की। तो इसका रेफरेंस क्या है, सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए किसी भी लोकतांत्रिक देश की संवैधानिक व्यवस्था में नागरिकों और व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ध्यान से सुनिए, नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों की व्यवस्था की गई है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी लोकतांत्रिक देश है, उसकी संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखना है तो वहां के नागरिकों और व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए, व्यक्ति का क्या हो, सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए क्या किया गया है, कुछ अधिकारों की व्यवस्था की गई है। देखिए आजादी से पहले औपनिवेशिक शासन रहा, उसके दौरान भारतीयों के साथ बहुत सारे अमानवीय व्यवहार हुए और भारत में जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत व्याप्त भेदभाव तथा स्वतंत्रता के दौरान होने वाले धार्मिक दंगों ने मानवीय गरिमा को छिन्न भिन्न कर दिया था। भाई देखिए, हमने देखा कि पहले हम जब अंग्रेजों के गुलाम थे, उससे पहले हम राजा महाराजाओं की बात करें, उस वक्त भी दास्ता में थे, जंजीरों में जकड़े हुए थे। तो इन तमाम परिघटनाओं में हमने देखा है कि जो धार्मिक भेदभाव वाले हैं या लोगों के अधिकारों का हनन है, ये तमाम व्यवस्थाएं हैं वो मानव गरिमा को छिन्न भिन्न कर देती हैं, एक व्यक्ति की जो गरिमा है उसको नष्ट कर देती हैं कि मानव किसी का गुलाम कैसे हो सकता है, उसके अधिकारों को कोई कैसे छीन सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लग जाता है। अगर किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचेगा तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखेगा। धार्मिक द्वेष होगा तो भी व्यक्ति एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखेगा। ऐसी स्थिति में संविधान निर्माताओं के सामने एकता, अखंडता, मानवीय गरिमा को स्थापित करने तथा लोगों में परस्पर विश्वास बहाल करने की चुनौती थी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए संविधान निर्माताओं ने सार्वभौमिक अधिकारों की व्यवस्था की और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, ध्यान से सुनिए, हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक अधिकारों की कुछ प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, याद रखना। तो कुछ अधिकार जो हमें दिए गए, फंडामेंटल राइट जो दिए गए, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनकी व्यवस्था है। देखिए प्रारंभ में संविधान के अंतर्गत नागरिकों को मूल कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं की गई थी। देखो मूल अधिकार दिए गए थे, मूल कर्तव्य नहीं दिए गए थे, परंतु समय के साथ समाज में असामाजिक व देश विरोधी गतिविधियां वृद्धि होने लगी। परिणाम स्वरूप ऐसी गतिविधियों के प्रति नागरिकों को जागरूक करने और उनमें कर्तव्य बोध की भावना का प्रचार करने के लिए 1976 में संविधान के भाग 4 के में अनुच्छेद 51 के जोड़ा गया। तो देखिए यहाँ पे दो बातें आपने सीखी। पहले तो आपने मॉरल जाना कि मूल कर्तव्यों की आवश्यकता क्यों होती है,
और मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है। फिर आपने प्रोविजन देखा, तो प्रोविजन क्या है कि भारतीय संविधान के भाग तीन में, आपने यहां तक क्या देखा, भारतीय संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद, देखिए फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वो हमें मिलते हैं संविधान के भाग तीन और आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। जबकि हम अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की FDS की बात करें तो वो हमें एक नया भाग ऐड किया गया था 4 क, और उसमें आर्टिकल लिखा गया एक नया 51 क। तो इसके अंदर आप देखेंगे प्रोविजन किया गया है। क्या ये बात आपको समझ में आई है? ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हुई। तो देखिए 1976 के अंदर, पहले नहीं थे, 1976 के अंदर संविधान का भाग 4 क है वो रखा गया और उसमें अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। तो मूल कर्तव्यों की व्यवस्था कब की गई है? 1976 का में की गई है, ठीक है। और भाग 4 क जोड़ा गया था और एक अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया था, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई है? ओके। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020, ये चर्चा में क्या संदर्भ रहा है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 जो दिल्ली में हुआ, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मूल कर्तव्यों पर सभी का ध्यान आकर्षित किया और इस विषय को चर्चा का केंद्र बना दिया। तो देखिए ये इसलिए चर्चा में रहा है। अब बात करते हैं मूल अधिकार से क्या तात्पर्य है। देखो मूल अधिकार से तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र में, ध्यान से सुनिए क्या बोला गया, मूल अधिकार का मतलब क्या है। तो देखो राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक लोकतंत्र की अगर उन्नति चाहते हो, प्रोग्रेस चाहते हो, तो उसके लिए मूल अधिकार होना जरूरी है। तो मूल अधिकारों से तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। यह अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध, देखो राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं नागरिकों स्वतंत्रता प्रदान की गई है, याद रखना। और ये विधानमंडल द्वारा पारित कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी विधान मंडल है, वो कोई कानून बनाएगा तो ऐसे कानून नहीं बना सकता जो नागरिकों के अधिकारों का हनन करे, उनकी स्वतंत्रताओं का हनन करे। इसलिए कहा गया है कि मूल अधिकार हैं वो विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं, उनको लिमिटेड करते हैं, ठीक है। इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून का राज स्थापित करना, देखो कानून का राज, रूल ऑफ लॉ स्थापित करना है, न कि व्यक्ति का राज स्थापित करना। तो देखिए मूल अधिकारों का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ स्टेबल करना है, कानून का अधिकार स्थापित करना, न कि किसी व्यक्तिगत का अधिकार, ठीक है। तो संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है, और इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान, समानता, राष्ट्रहित और कर्तव्य एकता को भी समाहित किया गया है। ये विधि, ध्यान रखना, ये विधि के मूल सिद्धांत हैं, और ये मूल इसलिए हैं क्योंकि व्यक्ति के चहुमुखी विकास, देखो सर्वांगीण विकास मतलब चहुमुखी विकास, और चहुमुखी विकास का मतलब है भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स है वो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण या चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक हैं, और चहुमुखी विकास का तात्पर्य व्यक्ति भौतिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, नैतिक विकास हो और उसका आध्यात्मिक विकास हो। तो ये मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों है ये भी हमें पता चली यहाँ से, ठीक है। अब बात करते हैं संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार। तो देखिए समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 के दरमियान लिखा गया, स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 के दरमियान है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 के दरमियान है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के दरमियान है, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है वो 29 से 30 के दरमियान है, और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 के तहत दिया गया है। तो आज हम देखेंगे कि हमें जो अधिकार दिए गए हैं उनको आपको ध्यान से सुनना है। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं। तो आपने क्या देखा कि हमें अभी जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो कितने हैं? 6 हैं। अब बात करते हैं मूल अधिकारों की विशेषताओं के बारे में। देखिए मूल अधिकार वाद योग्य हैं, यहां से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मूल अधिकार क्या है? वाद योग्य हैं, और राज्य उन पर युक्ति युक्त प्रबंध लगा सकता है, राज्य उन पर उनको क्या कर सकता है? प्रबंध लगा सकता है मूल अधिकारों पे। हालांकि प्रतिबंधों के
औचित्य का निर्धारण वो न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अगर किसी अधिकार पर लिमिटेशन की गई है तो उसके लिए जो आदमी, जो निर्धारक है, जो बॉडी निर्धारक है, वो है हमारा न्यायालय। तो जो प्रतिबंध अगर राज्य लगा सकता है, देखो वाद योग्य है, इसका मतलब इनको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन इन पर जो प्रतिबंध लगाए जाएंगे राज्य के द्वारा, उनका निर्धारण कौन करेगा? न्यायालय करेगा, ठीक है जी। और ये सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है। इसका मतलब सरकार कोई एक तरफा डिसीजन नहीं ले सकती, उसे नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करनी ही पड़ेगी। हालांकि इनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं, इनमें से जो कुछ अधिकार हैं वो निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के विरुद्ध भी अधिकार दिए जा सकते हैं। इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार की सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक अधिकार हैं, जैसे व्यक्ति के लिए विशेष सुविधाओं को उपलब्ध करना। देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि जो अधिकार हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी नेचर कैसी है, तो याद रखना वो नेगेटिव नेचर के भी हैं और वो पॉजिटिव नेचर के। नेगेटिव नेचर इसके लिए क्योंकि वो राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं, राज्य के विरुद्ध, कहते हैं कि आप देखोगे राज्य इस तरह के कानून नहीं बनाएगा, तो वहां राज्य को प्रतिबंधित किया गया है। और कुछ अधिकारों में ऐसा किया गया जो पॉजिटिविटी की बात करता है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात करता है। और खास बात, ये स्थायी नहीं है, इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। संसद संविधान संशोधन के माध्यम से इनमें कटौती या कमी कर सकती है, याद रखना। और देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगे तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। जब भी इमरजेंसी का टाइम होगा तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी जितने भी अधिकार हैं, अब देखिए उनको क्या किया जा सकता है, 20 और 21 में स्वतंत्रताएं हैं, तो कुछ स्वतंत्रताएं हैं उनको छोड़कर बाकी सभी को निलंबित किया जा सकता है, और इन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन्हें गारंटी प्रदान की जाती है, तो याद रखना संवैधानिक उपचारों के तहत आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को पावर दी जाती है रिट जारी करने की। उस पावर के अंदर कहा जाता है अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो स्वतः संज्ञान ले सकता है न्यायालय। इसलिए न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को, जो मूल अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं मूल अधिकारों के महत्व की। तो देखिए, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने में इनका महत्व होता है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के, किसी व्यक्ति विशेष स्वतंत्रता के रक्षक होते हैं, ठीक है। देश के में विधि के शासन की व्यवस्था करते हैं, रूल ऑफ लॉ की व्यवस्था की जाती है कि कानून जो चलेगा ना, वो शासन जो चलेगा वो कानून के अनुसार चलेगा, ठीक है। और सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की आधारशिला ये रखते हैं। साथ ही ये अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए मूल अधिकारों का महत्व क्या है, तो ये पॉइंट आप जरूर लिखें कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करते हैं, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक होते हैं, देश में विधि के शासन की व्यवस्था करते हैं, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की आधारशिला पर रखे होते हैं, और अल्पसंख्यक और जो कमजोर वर्ग समाज है उसके हितों की रक्षा इनके द्वारा की जाती है। तो ये इनका महत्व है। अब बात करते हैं इनकी कुछ आलोचनाओं के बारे में। तो देखिए, मूल अधिकार असंख्य अपवाद हैं, इसके बहुत सारे अपवाद हैं, प्रतिबंधों और व्याख्याओं के विषय हैं। इनके ऊपर बहुत सारे आप अपवाद देखोगे, प्रतिबंध देखोगे, और इनकी व्याख्याएं भी आप अलग अलग देखने को आपको मिलती है। इनमें से मुख्यतः राजनीतिक अधिकार का उल्लेख है। तो देखिए, सामाजिक आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था का अभाव है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम पाने का अधिकार, विश्राम और सुविधा का अधिकार जैसे उपबंध शामिल नहीं हैं। याद रखना कि भाई इन अधिकारों में अगर हम देखें तो मूलभूत अधिकारों में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए, काम पाने का अधिकार, विश्राम और सुविधा का अधिकार जैसे उपबंध भी शामिल करने की जरूरत है। तो ये कहीं ना कहीं मूल अधिकारों में ये कमियां रही हैं, इनको भी करने की जरूरत है, इनकी भी व्याख्या, इनके भी प्रावधान करने की जरूरत है। इनकी व्याख्या अस्पष्ट है, क्योंकि देखो आप देखेंगे तो कहीं पर भी क्लियर ये नहीं लिखा है कि विश्राम करने की सुविधा का अधिकार नहीं, हम इन मूल जो अधिकार दिए उनकी व्याख्या करते हुए इनको समाहित करते हैं, इसलिए इनकी स्पष्ट व्याख्या नहीं है, धुंधली सी व्याख्या देखने को मिलती है। जैसे लोक व्यवस्था, अल्पसंख्यक, उचित प्रतिबंध और सार्वजनिक हित आदि शब्दों की व्याख्या अस्पष्ट है। जैसे यहाँ लिखे लोक व्यवस्था के संदर्भ में ये अधिकार दिया, तो अब ये लोक व्यवस्था को एक्सप्लेन करना जरूरी है, अब इसकी क्लियर व्याख्या होनी चाहिए। इसी प्रकार उचित प्रबंध किया गया, तो उचित प्रबंध में कौन सी लिमिटेशन लगाई गई है या कितना दायरा उनको दिया है ये स्पष्ट करना है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के व्याख्यानों द्वारा, दलीलों द्वारा ही स्पष्ट होता है, ठीक है। और मूल अधिकारों में स्थायित्व का अभाव है, इनमें संसद में द्वारा कटौती की जा सकती है। और आलोचकों का मत है कि निवारक निरोध का उपबंध मूल अधिकारों की मुख्य भावनाओं से
दूर करता है। देखो निवारक निरोध का उपबंध, निवारक निरोध का उपबंध, उपबंध है वो मूल अधिकारों की मुख्य भावना से क्या है दूर करता है। यह राज्य को मनमाना शक्ति प्रदान करता है, याद रखना। तो अब आपका रिसर्च का विषय हो गया कि निवारक निरोध क्या है, इसको आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। और मूल अधिकारों के क्रियान्वयन में आम नागरिकों को महंगी न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। तो अगर मूल अधिकारों के साथ अगर जुड़ी किसी घटनाक्रम की बात करें तो इसके लिए काफी पहले जो न्यायिक प्रक्रिया वो महंगी आपको देखने को मिलेगी। अब भावना के खिलाफ, अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, इसमें थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हाँ जी, अब बात करते हैं मूल कर्तव्य। तो देखो नागरिकों को मूल कर्तव्यों को नैतिक उत्तरदायित्व का बोध कराते हैं, ये तो होगी मूल अधिकारों की बात। अब मूल कर्तव्यों को यहां से समझने की कोशिश करते हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज है वो नागरिक को नैतिक उत्तरदायित्व का बोध कराते हैं कि उसका नैतिक उत्तरदायित्व क्या है। देखिए अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है कि भाई संविधान ने नागरिकों को अधिकार दिए तो उसके एवज में उनके कुछ कर्तव्य बनते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन परंपरागत और नैतिक तौर पर मानते हैं कि जब भाई हमारे देश के संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं तो उसके बदले हमें क्या मिला है, तो उसके बदले हमें क्या मिले हैं, कर्तव्य मिले, ऐसा हम मान सकते हैं। जबकि संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, एक के बिना दूसरे की संकल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए वर्ष 1976 में, याद रखना, सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश के ऊपर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी। तो आइए अब देखते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए इसे लघु संविधान के रूप में भी माना जाता है। तो अगर एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है किस संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो याद रखना 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए थे जो निम्नवत है। देखिए इस संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में सामाजिक, धार्मिक और अखंडता जैसे तीन शब्द जोड़े गए। इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया, याद रखना। इसके तहत संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया के बाहर कर नीति निर्देशक तत्वों को व्यापक महत्व दी गई थी। शिक्षा, वन, वन्य जीव, पशु पक्षी संरक्षण, नाप तोल, अन्य न्याय प्रशासन और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन और संगठन के विषय पर राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानित किया गया था। इसका मतलब शिक्षा, वन्य जीव, पशु पक्षियों के संरक्षण, नाप तोल और न्याय प्रशासन, इन सबको पहले ये राज्य सूची के विषय होते थे, इनको कॉन्क्रीट लिस्ट में शामिल किया, समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, इसलिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि मूल कर्तव्यों से मतलब क्या है। देखिए सरदार सावन सिंह समिति की सिफारिश के बाद में मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो देखिए हम देखते हैं संविधान का भाग जो तो चार क है, उसमें आर्टिकल 51 क ये ऐड किया गया था। तो देखिए मूल कर्तव्य राज्य और नागरिकों के मध्य सामाजिक अनुबंध हैं। क्या है बच्चे, सामाजिक अनुबंध है जो किसी देश के संविधान द्वारा वैधता प्राप्त करते हैं, तो इनको संविधान से वैधता प्राप्त है, इनका उपबंध है। अधिकारों के सापेक्ष ये भी महत्वपूर्ण है, ये अधिकारों के सापेक्ष जैसे अधिकार है उतने ही इनकी जो हमें मूल अधिकार दिए उतने ही मूल कर्तव्य भी महत्वपूर्ण है। सभी नागरिक समाज और राज्य के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करें इसके संदर्भ में ईमानदार रहें व्यक्ति। और कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में भी राज्य के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। तो प्राचीन शास्त्रों में अगर कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखते हैं तो वहां भी ये उल्लेख है कि राज्य अगर व्यक्तियों को अधिकार देता है तो व्यक्तियों के भी कुछ कर्तव्य बनते हैं राज्य के प्रति, ये इनका उल्लेख रहा। अब देखिए मूल कर्तव्यों की सूची अगर हम देखें तो संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा अगर हम देखें तो उसमें लिखा है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्शों को हृदय में संजोित रखें और उनका पालन करें। तो ये तमाम हम देखते हैं। साथ ही हम जो इसमें सबसे स्पेशल है वो देखने की कोशिश करें तो वो ये है कि 2002 के अंदर जो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से, तो वो 11वां कर्तव्य जोड़ा दिया। पहले 10 कर्तव्य थे, अब 11 हो गए। तो देखिए 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के बच्चे अपने लोग हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, मतलब ये जो गार्जियन है उनका एक कर्तव्य है कि 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं। ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो अब मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है, 11 हो गई। याद रखना इनकी सिफारिश सरदार सवर्ण सिंह समिति ने की थी, याद रखना सरदार सवर्ण सिंह समिति ने 10 सुझाए थे लेकिन 8 ही माने गए थे उनके, ये भी याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं मूल कर्तव्य की विशेषता क्या होती है। देखो मूल कर्तव्य में निहित नैतिक और नागरिक, याद रखना मूल कर्तव्यों में
मूल कर्तव्यों के तहत है, वो नैतिक और नागरिक दोनों ही प्रकार के कर्तव्यों को शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना एक नैतिक कर्तव्य है कि भाई स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो हमारे राष्ट्र के लोगों ने जो हमें प्रेरणा दी थी उन महान आदर्शों का पालन करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, जबकि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों का पालन करना, संस्थाओं का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना एक नागरिक कर्तव्य है। ठीक है, तो ये मूल भारतीय परंपराओं, पौराणिक कथाओं, धर्म और पद्धति से संबंधित हैं। गौरतलब है कि कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, परंतु मौलिक कर्तव्य केवल और केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं। याद रखना, मौलिक कर्तव्य हैं वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं। तो विधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित या गैर प्रवर्तनीय है, अर्थात इनके उल्लंघन पर माम इनके उल्लंघन के मामले में सरकार द्वारा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। देखो, वाद योग्य हैं या यूं कहें गैर न्यायोचित हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई इनका उल्लंघन करता है तो किसी तरह का कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। ठीक है जी, अब बात करते हैं मूल कर्तव्यों के महत्व की। तो देखिए, असामाजिक गतिविधियों जैसे झंडा जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सार्वजनिक शांति को भंग करना आदि के विरुद्ध लोगों के लिए एक चेतना के रूप में ये कार्य करते हैं। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है, इनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ावा मिलता है। वे इस सोच को उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मूक दर्शक नहीं बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार है। अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय ये नागरिकों को अपने देश के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। नागरिकों को अपने देश, समाज, साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में भी जानकारी रखनी चाहिए, ऐसा हमारे मूल कर्तव्य हमको दर्शाते हैं। अब बात करते हैं मूल कर्तव्यों की आलोचना के बारे में। तो देखिए, मौलिक कर्तव्यों की जो सूची पूर्ण नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषय जैसे मतदान, कर अदायगी और परिवार नियोजन आदि को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को सही ढंग से परिभाषित भी नहीं किया गया है। एक आम नागरिक के लिए मौलिक कर्तव्यों में मौजूद जटिल शब्द जैसे समग्र संस्कृति, उच्च आदर्श, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि समझ पाना कठिन है, और इन कर्तव्यों को कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए आलोचक मानते हैं कि संविधान में इनके होने का कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि भाई अगर कोई संविधान में लागू, अगर संवैधानिक इन कर्तव्यों को लागू करने का कोई कानून नहीं है, तो इनका संवैधानिक प्रावधान करने की मतलब ही नहीं है कोई। तो इनके लिए भी क्या होना चाहिए, कानून होना चाहिए। तो संविधान के भाग 4 में इन्हें शामिल किया गया, 4 कै में शामिल किया गया, याद रखना है। ठीक है, और मूल कर्तव्यों, ध्यान से सुनना, मूल कर्तव्य और उनके महत्व को कम करती है कि भाई 4 में शामिल, ध्यान से सुनना, इसके लिए इसको क्या किया, 4 कै में शामिल किया गया, और मूल जो कर्तव्य हैं उनको भाग 3 में जोड़ा गया है ताकि मूल अधिकारों के समक्ष ये करते रहे। कहने का मतलब ये हुआ कि इनका प्रोविजन है, ये हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो संविधान का भाग 4 में इन्हें शामिल करना मूल कर्तव्यों के मूल्य और महत्व को कम करती है, क्योंकि इनके लिए एक 4 कै जोड़ा गया है अलग से। मूल कर्तव्यों को भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए था ताकि वे मूल अधिकारों के समक्ष हों, जबकि इनको 4 कै में जोड़ा गया है। ठीक है, आलोचकों का ये मानना है। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, तो कैसे? देखिए, जहां एक और नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन जैसी सुविधाओं के उपयोग का अधिकार प्राप्त है, तो वहीं दूसरी ओर उनके बेहतर रख रखाव का कर्तव्य भी आरोपित है। यदि संविधान में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार प्राप्त है, तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने का कर्तव्यों का उल्लेख भी यहाँ पर किया गया है। संविधान में गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, तो इसे मूर्त रूप देने के लिए पर्यावरण के संरक्षण का दायित्व भी कर्तव्य के रूप में व्यक्ति को दिया गया है। जहाँ एक और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है, तो वहीं दूसरी ओर अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य भी है कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाएं। और यदि संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, वो अधिकार है, तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना व्यक्ति का दायित्व अर्थात कर्तव्य भी बनता है। जहां एक और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, तो वहीं दूसरी ओर सर्वधर्म संभाव और संस्कृति के गौरवशाली परंपराओं का परिरक्षण करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। जहाँ एक ओर हम सूचना पाने का अधिकार प्राप्त है, तो वहीं दूसरी ओर असामाजिक व देश विरोधी तत्वों के बारे में जांच एजेंसी को सूचना उपलब्ध कराना भी हमारा कर्तव्य। तो
निष्कर्ष ये निकलता है कि अधिकारों से अभिप्राय है कि मनुष्य को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए, जबकि कर्तव्य से तात्पर्य है कि व्यक्ति पर समाज के कुछ ऋण हैं। समाज का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति के विकास विकास न होकर सभी मनुष्यों के विकास की समुचित बात करें। इसके इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य जुड़े हैं जिन्हें पूर्ण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिए। मौलिक अधिकार जहां हमें देश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से रहने बसने की स्वतंत्रता देते हैं, तो वही मौलिक कर्तव्य हमें देश के प्रति हमारे दायित्व को निभाने का आदर्श देते हैं या आदेश देते हैं। प्यारे विद्वान साथियों, यहां से एक बड़ा ही प्रश्न निकलता है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्यों की उपस्थिति एक संतुलन समन्वय है, टिप्पणी कीजिए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों की उपस्थिति एक संतुलनकारी समन्वय है, इस पर टिप्पणी कीजिए, तो ये आर्टिकल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही एक इन्फॉर्मेशन है कि अनअकैडमी पर आरएस की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए संकल्प एक फाउंडेशन कोर्स शुरू हुआ है, आप इसमें जरूर जुड़िए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सत्र से जुड़ने के लिए। धन्यवाद विद्वान साथियों, आप इस सत्र में जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अनअकैडमी में किसी तरह का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मेरे कोड का इस्तेमाल कीजिए, मेरा कोड मुकेश है, जिसकी वजह से आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो सके। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।